एक तरफ जहां प्रदेश का निर्वाचन आयोग प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी निकाय चुनाव 2022 को निष्पक्ष कराने के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं आए दिन निकाय चुनाव के दौरान धांधली के आरोप भी लगातार लग रहे। बहादुरगढ़ में बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव में नकली आधार कार्ड और वोटर कार्ड के जरिए वोट डालते हुए कई लोगों को पकड़ने की बात कही। साथ ही बीजेपी के बहादुरगढ़ चुनाव प्रभारी सतीश नांदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव के दिन लोगों से बरामद किए गए नकली पहचान पत्र दिखाए। नांदल का कहना है कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने वोट डालने से पहले ही पकड़ लिया, लेकिन काफी सारे लोग फर्जी पहचान पत्र के जरिए वोट भी डाल गए। वो उनकी तरफ से कार्ड हमने दिखाया आपको, ये कार्ड के हमारे पास सबूत है, दो कार्ड है, ये पूरे कोशिश के, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारे साथियों ने इनको पकड़ने का और बंद करवाने का काम फिर भी वो डाल के गए और उसी का परिणाम थोड़ा बहुत मतलब कहीं नज़दीक लगने का काम किया। इस पर संज्ञान लिया जाएगा जोर शोर से। कांग्रेस वाले भगदड़ मच गई, सारे पीछे भग गए, कांग्रेस पार्टी तो खत्म ही होगी और उनका तो कैंडिडेट ही बेचारा आपने देखा हुआ प्रेस के सामने किस तरह गिड़गिड़ा रहा था कि हमारे नेताओं ने हमारी जो खिलाफत करने का काम किया। कांग्रेस पिछड़ने की वजह से ही नफे सिंह जो 25,000 वोट लेगा, नहीं तो इसकी तो सारी 10-15,000 वोट थी, इसकी इतनी वोट कहाँ थी। विधानसभा में इसने कांग्रेसियों की मदद करी, अब कांग्रेसियों ने इसकी कर दी, तो ये दोनों एक है, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये संपर्क में है क्या नहीं। देखिए जब विधानसभा के अंदर गिनती हो रही थी मैंने पहले भी आपको बताया था, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरे को नफे सिंह राठी ने कहा मैंने आपको हराने के लिए 10 करोड़ रुपए लगा दिए, मगर अभी क्यों लगाए ना, आपने हमारे को जो रोकने का काम किया, जो गलत काम करते थे हमने रोकने का काम किया, हमारी सरकार थी। राजेंद्र सिंह 10 साल रहा, इसने हमारे को कोई परेशानी नहीं करी, बोला अभी तुम नहीं चलाना भाई, मैं तो मालवीय नगर रहता हूँ, अभी नफे सिंह नहीं चलाना।